हर दिल लजीज के एक और एपिसोड में अफशां का आप सभी को आदाब। आदाब। तो मिलिंद, आप सबसे पहले ये बताइए कि आज जो है वो हम क्या स्पेशल लेकर आए हैं हमारे सामाइन के लिए। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत लोग बहुत दिनों से उस चीज का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, वाकई? ओके। क्योंकि हर जगह आजकल यही ओर चल रही है कि जी इंडियन खाना मशहूर है कि चाइनीज खाना मशहूर है। तो यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि इनका इशारा किसकी तरफ है। यस। आपने बता दिया कि हम आज जो है हमारा एपिसोड ये चाइनीज स्पेशल के ऊपर, हमने सोचा कि आज आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चाइनीज डिशेस बताई जाएं। बिल्कुल, ताकि आप जो है हमेशा ये ना सोचे कि चाइनीज खाने के लिए हमें किसी बाहर रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा, आप घर बैठे घर में चाइनीज बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी भी खाने की शुरुआत सूप से की जाती है और चाइनीज सूप वैसे भी बहुत मशहूर है। तो देखते हैं, एक वेजिटेरियन चाइनीज सूप यानी कि टोमेटो एक ड्रॉप सूप हमें चाहिए। थोड़ा सा यानी एक चम्मच तेल, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 4 से 5 लहसुन बारीक कटी हुई, 2 बड़े टमाटर बारीक चॉप किए हुए, 2 बड़े चम्मच टमाटर का पेस्ट या प्यूरे, 1/2 चम्मच वाइट पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच अजीनोमोटो, थोड़ा सा नमक, 1 अंडा जिसका सिर्फ सफ़ेद या एक वाइट यूज़ करेंगे हम, 1 चम्मच नींबू का रस या विनेगर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यानी कि 2 चम्मच सूप को गाढ़ा करने के लिए, और हरा कटा हुआ बारीक धनिया 1 चम्मच गार्निश के लिए। तो हमारे सामाइन को ये तो पता ही चल गया होगा कि इस डिश के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। यस। अब आप ये भी बता दीजिए, शुरुआत कर देते हैं कि कैसे बनाना है इसको। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए क्योंकि ये सूप है तो ज्यादा तेल नहीं डलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच के मुताबिक बस। बस आप देख रहे होंगे ये कढ़ाई जैसा जो भी मेरे सामने है उसे चाइनीज वॉक कहते हैं, बहुत से लोग जानते भी होंगे कढ़ाई। और इसमें ये फर्क है कि ये थोड़ा पतला होता है कढ़ाई से और थोड़ा ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है। आइए सबसे पहले इसमें डालेंगे, जैसे तेल गर्म हो जाए, थोड़ी सी गार्लिक और प्याज। इसे मैं चला दूं? प्याज मैंने कहा था कि छोटा वाला, ज्यादा प्याज नहीं चाहिए हमें, छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। वो लहसुन जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। हाँ, लेकिन जैसे वो ब्राउन होता है उसका बहुत बढ़िया खुशबू आती है उसकी, जो हमें इस वक्त आ रही है लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आइए इसके अंदर सारा टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटो का प्यूरे या टमाटो का पेस्ट डाल देते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं पानी, और डाल दीजिए, और डाल दीजिए, और डाल दीजिए। बताइए कब रुकना। बस ओके। तो ये सूप के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये वेजिटेरियन सूप है। आप चाहे तो चिकन स्टॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मतलब तरीका वही है बनाने का। हाँ। इसमें आप चाहे चिकन यूज करें, चिकन का स्टॉक यूज करें। हाँ, चिकन का स्टॉक है, बेसिकली टोमेटो का सूप है। तो ये इसमें डालते हैं पेपर 1/2 चम्मच जैसा आपको कहा था, अजीनोमोटो 1/2 चम्मच, नमक जायके के हिसाब से और इसको चलाते हैं अभी। ओके। इसके अंदर जैसे हमने पहले कहा था थोड़ा सा नींबू का रस या विनेगर डालेंगे। अच्छा, वो किस लिए? थोड़ा सा वो जो खट्टापन है। ओके। उसका और इजाफा करने के लिए। इसे कितनी देर के लिए पकाना है मिलिंद? इसको बस, इसमें पकने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, टमाटर जो है बस उसका कच्चापन निकल जाए थोड़ा सा और उबल जाए वो। कॉर्नफ्लावर को मैंने थोड़े से पानी में घोल के रखा है, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर ताकि सूप गाढ़ा हो जाए। थोड़ा और डालेंगे और इसको उबाल देने देंगे। इसके अंदर हमने, आपने देखा कॉर्नफ्लावर उतना डाला जितना हमें चाहिए था, गाढ़ा अगर चाहिए तो ज्यादा कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अच्छा। जैसे और एक उसमें बॉईल आ जाए, इसको जब मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताए थे तो बताया था कि इसमें एग वाइट जाएगा, इसका नाम है टोमेटो एग ड्रॉप। तो आइए इसमें एग ड्रॉप कर देते हैं। इसको हम इस तरह से पोर करेंगे, आप हिलाते जाइए। अच्छा, अच्छा, ताकि जो ड्रॉप है वो जो ड्रॉप के थ्रेड्स बन जाए इस तरीके से। बस ओके। इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई। हाँ, ये टोमेटो एग ड्रॉप करके जो है इसके अंदर इसके थ्रेड्स बन गए या श्रेड्स बन गए। आपने अगर रेस्टोरेंट्स में कई बार देखा होगा कि स्वीट कॉर्न चिकन सूप में भी
इस किस्म के हाँ एग के थ्रेड्स होते हैं, होते तो आज हैं आपने देख लिया कि वो बनते भी वो कैसे हैं। बनते भी कैसे हैं। तो ये हमारा टोमेटो एग ड्रॉप सूप एक ड्रॉप करने के बाद अब तैयार है। खाने से पहले अगर इसे बना के खाना चाहें तो खा सकते हैं, क्योंकि ये इतना भी हैवी नहीं होगा कि आप इसके बाद बिल्कुल, खाना ना खा सकें। तो वैसे इसको रख भी दीजिए आप। और इसमें हम डाल देते हैं धनिया थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए। तो आपका ये सूप तैयार है बिल्कुल। बिल्कुल। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलिंद, हम क्या बनाने जा रहे हैं? मेरे ख्याल से चाइनीज की सबसे पॉपुलर डिश यही होगी, चिली चिकन। ओ यस, चिली चिकन, ये तो सबकी ही फेवरेट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मिलिंद? देखते हैं कि चिली चिकन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए बोनलेस चिकन 500 ग्राम, 2 बड़े चम्मच तेल, 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 5 से 6 लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स में कटा हुआ, 1/2 चम्मच वाइट पेपर पाउडर, नमक, 1/2 चम्मच अजीनोमोटो, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 या 1/2 अंडा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर सॉस को गाढ़ा करने के लिए, और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर चिकन को मैरिनेट करने के लिए, और चिकन स्टॉक या पानी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे okay. और उसको फ्राई करके लेंगे, उसके बाद उसका जो सॉस है चिली चिकन का वो बनाएंगे। okay. तो पहले देखते हैं कि चिकन को मैरिनेट करना है मतलब क्या करना है। तो आइए, जो हमारा बोनलेस चिकन है हमने उसके छोटे छोटे क्यूब्स काटे हैं इस तरह जैसे आप देख रहे हैं, और इसमें जो है हम थोड़ा सा अंडा और कॉर्नफ्लावर लगाएंगे उसको फ्राई करने के लिए। अच्छा। ठीक है, अंडे को हल्के से फेंटना है, थोड़ा सा मिक्स करना है बट येलो एंड वाइट को। तो एक तो अंडे को हमने डाला इसमें, आधा अंडा हमने आधा अंडा इस्तेमाल कर लिया है, और कॉर्नफ्लावर डाल के इसको हम मिला लेंगे। मैंने कहा था 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, तो इसको मिला लेते हैं कॉर्नफ्लावर डाल के, ताकि चिकन को जो है जी अंडा और कॉर्नफ्लावर ठीक तरीके से लग जाए और उसको हम फ्राई कर सकें बाद में। और अच्छा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के लिए नमक, वैसे नमक संभल के डालना क्योंकि नमक सॉस में भी जाएगा, तो ये ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाए। तो ये जो हम आप इस वक्त इसे कॉर्नफ्लावर में मिक्स कर रहे हैं, वो कॉर्नफ्लावर ही क्यों यूज कर रहे हैं आप? मतलब एक तो ये चाइनीज खाने में कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा ही हो सकता है वहाँ पे ज्यादा मिलता हो। दूसरी हाँ। बात ये है कि कॉर्नफ्लावर की खासियत ये है कि कॉर्नफ्लावर जब हम यूज करते हैं किसी चीज को फ्राई करने में, तो वो डिश को क्रिस्प बना देता है। आपने देखा होगा कि जैसे चाइनीज में आप क्रिस्पी फ्राइड वेजिटेबल्स वगैरह देखते हैं ज्यादातर, उनकी जितनी भी डिशेज होती है वो बहुत ही क्रिस्पी फ्राइड होती है, तो उसमें जो है कॉर्नफ्लावर से उसको लपेट के फिर फ्राई किया जाता है। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पानी चिकन के अंदर कितना था, अंडा कितना है, उस ऊपर से कॉर्नफ्लावर जो है आस्ते आस्ते ऐड करते जाइए। पहले कम ले फिर उसके बाद, फिर उसके बाद अंदाजा लगाए कि क्योंकि अगर कम है तो हम बढ़ा सकते हैं, एक बार बढ़ गया तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। तो हमारे तेल गर्म हो चुका है, आइए इसमें चिकन के जो पीस है वो फ्राई कर देते हैं। छारे की जरूरत पड़ेगी ना मेरे ख्याल से? बिल्कुल बिल्कुल, आपको निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। देखा आपने कितना अंडे की वजह से वो फर्स्ट क्लास फूल भी रहा है और राइट करारापन भी आ रहा है उसका। और इसमें क्या हो जाता है कि ये जो चिकन है वो तलने के साथ ही पक जाता है, तो उसको सॉस में बहुत ज़्यादा देर तक, या वो हमारा जो चिली चिकन का सॉस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी मैंने आपको कहा था चाइनीज़ खाना वॉक में स्टर फ्राई होता है या तेज़ आँच पे जल्दी पकाना होता है, तो अगर हमने इसको वहीं डायरेक्ट पकाया तो चिकन पकने में थोड़ा टाइम लग सकता है। राइट। इसलिए ये दोनों काम करता है। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ओके। और उसके बाद सॉस में डालेंगे। तो इसके बाद हम जो है वो इसका जो सॉस है उसमें बनाएंगे और चिकन को उसमें डाल के सौते कर देंगे। ओके। कोई भी तली हुई चीज़ जो हो टिश्यू पेपर या नैपकिन के निकाल लीजिए, ताकि उसका जो एक्सेस तेल है या ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब वो आपकी पेट में ना जाए और नैपकिन में चला जाए, टिश्यू में ही रह जाए बस। ये था हमारा चिली चिकन का प्री प्रिपरेशन, यानी कि चिकन को हमने मैरिनेट करके फ्राई कर दिया। आइए उसका वॉक में सॉस भी बना देते हैं। आपने देखा था हमने पहली रेसिपी में भी ये चाइनीज वॉक यूज किया था। चाइनीज किस्म की कढ़ाई है, पतली होती है थोड़ी सी और चौड़ी होती है, हैली हुई होती है, ज्यादा डीप नहीं होती। तेल गर्म होते ही हम इस वॉक के अंदर सबसे पहले गार्लिक डालेंगे जो हमने बारीक कटा हुआ है। गार्लिक के साथ साथ
ग्रीन चिलीज, क्योंकि ये चिली चिकन है, थोड़ी सी चिकन ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा दूर हटना पड़ेगा हमें इससे। और इसके अंदर हम कैप्सिकम डाल देंगे, उसको भी भून लेंगे, तो भून लेते हैं थोड़ा। अच्छा, इसके बाद डालते हैं सोया सॉस, दो चम्मच मैंने कहा था आपको, टू टी स्पून पानी डालेंगे इसमें। इसके अंदर हम पानी डालेंगे जिसकी सॉस बनेगी, थोड़ा और, थोड़ा और। पानी की जगह अगर आपके पास स्टॉक है या चिकन स्टॉक है, मटन स्टॉक है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा उसके जायके में इजाफा होगा या अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर। पेपर कंट्रोल कर दीजिए, अगर आपको लगता है आपकी मिर्चियाँ बहुत तीखी है तो पेपर कंट्रोल में डालिए। आधा चम्मच अजीनोमोटो, जायके के हिसाब से नमक। एक चीज़ किसी भी डिश में जब सोया सॉस हो तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक की मात्रा काफ़ी होती है, नमक ज़्यादा होता है, तो सोया सॉस जिस डिश में यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक डालते समय या डालते वक्त बहुत केयरफुल होना चाहिए। और अब इसमें क्या डालना बाकी है हमारा, चिकन, चिकन डाल दीजिए। अरे वाह, तो झटपट बन गया। यस, डाल दीजिए। डाल दूँ? आइए चिकन को सॉस के अंदर मिला लेते हैं, थोड़ा उबलने देते हैं उसको सॉस में। ओके। और फिर इस सॉस को करेंगे गाढ़ा। अच्छा, और हमारा चिली चिकन तैयार हो जाएगा। ये तो बड़ी आसान सी डिश लग रही है। हाँ। वैसे भी मिलन, जब भी आप कुछ बनाते हैं तो मुझे हर कोई डिश बहुत ही आसान लगती है। नहीं, आपको एक बात बता दूं, कोई भी खाना जो है वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं होता बनाना, उसके लिए थोड़ी तालीम या प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसके अलावा एक चीज़ है, चाइनीज खाने में उसका प्री प्रिपरेशन जो है या मिजाम्पला जो है वो बहुत समय लेता है, बहुत टाइम लेता है, बहुत वक्त लेता है, क्योंकि उसको बनाने में जो है काटना पीटना, हम तो अभी दिखा देते हैं आपको कि ये गार्लिक कटा हुआ है, हरी मिर्च कटी हुई है, जब आप उसको काटेंगे तो ज़रूर आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार चूल्हे पे उसको चढ़ा दें तो बहुत जल्दी बन जाता है वो। हाँ, लेकिन जिनको चाइनीज़ खाना खाने का शौक़ है वो इस तकलीफ़ को भी नज़रअंदाज करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इस रेसिपी को ज़रूर नोट करके इसे बनाएंगे। ये देखिए, कॉर्नफ्लावर हमने इसलिए पहले थोड़ा डाला ताकि मैं उसको ठीक तरीके से गाढ़ा कर सकूँ। अच्छा, और ये हमारा चिली चिकन विद कैप्सिकम चाइनीज स्टाइल में तैयार है, मज़ा लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए और जायका लेने के लिए भी। और जब तक हम इसका जायका लेते हैं, आप लोग अपने टेलीविजन सेट छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं आपके सामने। ब्रेक के बाद हम दोनों फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई चाइनीज रेसिपी के साथ। मिलिंद, इसका नाम है, क्योंकि हमने नॉनवेज लोगों का ख्याल रखा, उनकी पॉपुलर डिश खिला के, तो वेजिटेरियन लोगों का भी ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल, बना रहे हैं वेजिटेबल मंचूरियन। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कहाँ से शुरुआत करें, पहले तो इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहले बताते हैं हमारे सामान, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वेजिटेबल मंचूरियन के लिए हमें जो चाहिए वो चीज़ें हैं, पहले मंचूरियन के बॉल्स हैं, उसके लिए चाहिए होगा 250 ग्राम्स या पाव किलो कैबेज बारीक कटा हुआ, एक गाजर बारीक कटी हुई या बारीक ग्रेट की हुई, आधा कप कॉलीफ्लावर या फूल गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच मंचूरियन के बॉल्स के लिए और 1 इंच सॉस के लिए, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई मंचूरियन के लिए और 2 हरी मिर्च सॉस के लिए, नमक 1/2 चम्मच वाइट पेपर पाउडर, 2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच अजीनोमोटो, हल्का सा थोड़ा धनिया बारीक कटा हुआ गार्निश के लिए, और तेल मंचूरियन तलने के लिए, और 2 चम्मच तेल सॉस बनाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो वेजिटेबल मंचूरियन के जो बॉल्स हैं, या हम उसे कोफ्ते कह सकते हैं, वो कोफ्ते किस तरह से बनाए जाते हैं, तो चाइनीज कोफ्ते कहा जाए। सबसे पहले जो बारीक कटा हुआ कैबेज है, इसको एक चीज जरूरी है कि जितनी भी हमारी सब्जियां हैं वो बिल्कुल बारीक कटी हो। हमारे लिए नाइफ से बारीक काटना बहुत आसान चीज है, अगर आप लोग घर पे नाइफ से बारीक नहीं काट सकते उसे या बिल्कुल छोटा, तो आप इसको जो ग्रेटर होता है घर पे उसके सबसे छोटे वाले जो होल्स होते हैं उसमें से ग्रेट कर दीजिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब सब्जियों को इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे भी चाइनीज प्रिपरेशन में मैंने देखा बहुत ही बारीक कटिंग जाता है। कटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सब जगह जो है वेजिटेबल मंचूरियन के इन जो कोफ्ते हैं या बॉल्स है उसमें अदरक और हरी मिर्च नहीं डालते,
बट हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और टेस्टी हो बाकियों से, तो इसलिए हम जो सब्जियां हैं उसके अंदर हमने एक चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ डाला, थोड़ी सी यानी कि एक मिर्च बारीक कटी हुई, हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला, इसके मैं बताऊंगा मैं क्यों थोड़ा सा बोल रहा हूँ इसे, और व्हाइट पेपर, वन फोर्थ चम्मच मैं कहूँगा व्हाइट पेपर भी डाला हमने इसमें। इसमें जो है नमक मैंने इसलिए कहा कि बहुत कम डालिए, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं जैसे कैबेज है या आपने देखा होगा प्याज भी है, जब हम उसको हाथों से मसलते हैं तो उसमें से पानी छूटता है, और नमक लगाएंगे तो ज़्यादा पानी छूटता है, क्योंकि हमको इसके कोफ्ते बनाने हैं, हम नहीं चाहते कि ये बहुत पतला हो, तो इसलिए नमक बहुत कम डालिए। जब हाथ से उसको हम मसलेंगे इस तरह से तो वो अपने आप गीला होता जाएगा, अच्छा, और जो हम कॉर्नफ्लावर उसमें डालने वाले हैं राइट, वो उसमें अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो आइए कॉर्नफ्लावर इसमें डालते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी डालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। अब थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बिल्कुल ओके, थोड़ा। अब देख रहे हैं कि इसके वैसे एक मिनट गोले बनने तो शुरू हो रहे हैं, थोड़े से पानी की ज़रूरत है बस, मतलब उसे बस हल्का सा गीलापन बस गीलापन आने के लिए, ताकि आने इसके के गोले लिए। बन पाए। ओके तो अभी जिस तरह अब ये गाढ़ा हो गया है, जी, इसके अब कोफ्ते बनने शुरू हो जाएंगे, आप जैसे देख रहे हैं, इसके गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स कहिए या कोफ्ते कहिए हाँ, बना लेते हैं ओके, और इसको डीप फ्राई कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये मतलब टूटेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं नहीं, नहीं टूटेंगे, देखिए इस तरह से बन गए हैं। तो इसके हम से 5-6 कोफ्ते बना के रख लेते हैं हाँ, और फिर उसको फ्राई कर देते हैं। ओके, हमने ये जो बना लिए हैं इसके बॉल्स, इसको तेल में ओके, फ्राई कर देते हैं। हाँ, आपको थोड़ा फ्राई हिलाना पड़ेगा ऑलराइट, ताकि वो चिपकेंगे नहीं। हाँ, इसको जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे मत पकाइए तेल को, क्योंकि अगर ये मंचूरियन बहुत ज़्यादा गर्म तेल है तो बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपने हाँ देखा उसके अंदर काफ़ी सारा कॉर्नफ्लावर भी है, राइट, तो हम चाहते हैं कि ये अंदर तक पक जाए, इसलिए मीडियम हीट पे इसको पकाइए। तो मंचूरियन के ये जो कोफ्ते हैं देखिए अब फर्स्ट क्लास गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और जैसे मैंने कहा था कि मंचूरियन बनाने के 2 स्टेजेस हैं, एक तो हमने आधा पूरा कर लिया, और अब हम इसमें थोड़ा सा बनाएंगे तेल, थोड़ा सा तेल डाल के ओके, बस। तो तेल हमारा ये गर्म हो चुका है, इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च तीनों डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ओके, तो मतलब दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं इसमें हम सोया डाल सॉस, देते हैं सोया सॉस, खिला दीजिए आप थोड़ा और थोड़ा और। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप पानी की जगह इसमें अगर चाहे तो स्टॉक, चिकन हाँ, स्टॉक, मटन स्टॉक या स्टॉक के जो क्यूब्स आते हैं मार्केट में, उसको भी घोल के पानी में डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, जैसे मैंने कहा था सोया सॉस जिस चीज़ में है उसका नमक बहुत ध्यान से डालें, समझ के डालें ताकि ज़्यादा ना हो। अजीनोमोटो भी एक किस्म का नमक ही है, तो इसलिए नमक थोड़ा सा, और अगर ये एक बॉईल आ जाए इसमें जी, जैसे इसमें एक बॉईल आ जाएगा, हम अपने जो मंचूरियन के कोफ्ते या जो बॉल्स बने हुए हैं वो इसके अंदर छोड़ देंगे और कॉर्नफ्लावर से उसको गाढ़ा करेंगे। ओके, इसलिए पहले इसको इसलिए छोड़ेंगे कि कोई भी चीज़ जब गाढ़ी हो जाती है तो उसको अब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, तो जब तक ये पतली है अगर हमने कोफ्ते इसमें डाल दिए तो वो सॉस को कोफ्ते एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसका जो जायका है वो कोफ्तों उसके अंदर आ जाएगा। हाँ जी डाली, अब ये जो हमारे मंचूरियन के कोफ्ते या मंचूरियन बॉल्स जो है इसको थोड़ी देर के लिए उबालने देते हैं सॉस के अंदर, ओके, और फिर इसको गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लावर से, जिसको मैंने पानी में ठंडे पानी में घोल के रखा है, और ठंडे को आप इसको हिलाएंगे जी। जब भी आप कॉर्नफ्लावर डालें किसी सॉस के अंदर उसको गाढ़ा करने के लिए, ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो सॉस उबल रहा हो,
क्योंकि तभी उसका गाढ़ापन कॉर्नफ्लावर की जो एक्टिविटी वो तभी शुरू होगी जब अच्छा, वो उबल रहा होगा। ओके, थोड़ा और डाल के इसको खत्म करेंगे। तैयार है इसका जायका लेने के लिए। और क्योंकि हम यहाँ हैं इंडिया में जी, क्योंकि हम पसंद करते हैं हमारे हिसाब का खाना जी, थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल देंगे इसके, ताकि इसमें हमारा वाला टेस्ट आ जाए। तो ये हमारा हो गया चाइनीज मंचूरियन इंडियन स्टाइल, है कि नहीं? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस रेसिपी को भी नोट कर लिया होगा और इसे ज़रूर बना के इसका लुत्फ़ उठाएंगे। और इसी के साथ फिर हमारा ये जो चाइनीज़ स्पेशल एपिसोड है वो यहीं ख़त्म होता है। और अगले हफ्ते आप लोगों से सबसे फिर से एक बार मिलने का वादा करते हुए अफशां आपसे खुदा हाफिज़ करती है। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के जितनी भी राय हैं, जो कुछ आपको लिख कर भेजना है, आप हमें इस पते पर, इस एड्रेस पर लिख कर भेज सकते हैं। द एड्रेस इज़ UTN Worldwide, PO Box 8207, Safe Zone, UAE. और हमारा दूसरा एड्रेस है UTN Worldwide, PO Box 9909, वर्ली, मुंबई 400018, इंडिया TVC.